एच पी एल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड के क्वार्टर थ्री का फाइनेंशियल रिजल्ट आज 11 फरवरी 2022 को पब्लिश कर दिया गया है तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं ये इस कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दो करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में दो करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में ये दो करोड़ था ईयर ऑन ईयर इसमें लगभग पंद्रह की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 0.1 परसेंट बढ़ा है क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का टोटल इनकम दो करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में दो करोड़ पंचानबे लाख था और प्रीवियस ईयर के ये क्वार्टर थ्री में ये दो करोड़ था ईयर ऑन ईयर इसमें 15 परसेंट की बढ़त है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें 0.06 परसेंट की बढ़त है क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9 करोड़ 25 लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में 4 करोड़ छियासी लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में ये आठ करोड़ तीन लाख था ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पंद्रह परसेंट की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह लगभग नब्बे परसेंट बढ़ा है इसका मतलब इस कंपनी ने क्वार्टर थ्री में अपने एक्सपेंसेस को काफ़ी कंट्रोल कर लिया है क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट नौ करोड़ तीस लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये चार करोड़ नब्बे लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में ये आठ करोड़ इकतालीस लाख था ईयर ऑन ईयर इसमें दस परसेंट की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह लगभग नब्बे परसेंट बढ़ा है क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का ई पी एस एक रुपये चवालीस पैसा है जो प्रीवियस क्वार्टर में सतर पैसा था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर थ्री में ये एक रुपये इकतीस पैसा था तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें दस परसेंट की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह लगभग सत्तासी परसेंट बढ़ा है क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन थर्टीन पॉइंट थ्री परसेंट है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये एलेवन पॉइंट सिक्स परसेंट था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में ये फोर्टीन पॉइंट टू परसेंट था तो आप देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो गिरावट हुई है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह बहुत अच्छा बढ़ा है क्वार्टर थ्री में इस कंपनी के पैट का मार्जिन थ्री पॉइंट थ्री परसेंट है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये वन पॉइंट एट परसेंट था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में ये 3.4% परसेंट था तो आप देखिए पैट का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्टेबल है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें अच्छी खासी बढ़त है तो आपने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर तो अच्छा बढ़ा है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये लगभग स्टेबल है और इस कंपनी का पैट और ई ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है और इस कंपनी का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो स्टेबल है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह बहुत अच्छा बढ़ा है अब इस रिजल्ट पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये तो हमें कल ही पता चलेगा तो चलिए हम लोग इस कंपनी के प्राइस चार्ट को देखते हैं आप देखिए ये एच का डेली प्राइस चार्ट है और इस कंपनी के शेयर का प्राइस चौहत्तर रुपया पाँच पैसा है इस कंपनी का पीवट पॉइंट तिहत्तर रुपये के आसपास है और ये इस शेयर का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी है अगर क्वार्टर थ्री के इस रिजल्ट का इस कंपनी के शेयर के प्राइस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और ये शेयर तिहत्तर से ऊपर की ही क्लोजिंग देने लगता है तो मुझे जो इसका पहला रजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो है तिरासी रुपये के आसपास मेरी इस शेयर में कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है आप अपने डिसीजन को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें धन्यवाद